इतनी सफाई से इसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। चांद पूरा होता है तो उसका रिफ्लेक्ट जब इसमें डलता है तो ये इंतहाई रोशन हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे किरणें फूट रही हैं। हर सांस में अल्लाह है, हर जान में अल्लाह है, और अल्लाह ही के पास जाना है। सर ये बताइएगा पाक फौज का यहाँ पे क्या किरदार है? पाक फौज का हमेशा से पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे बहुत मुकम्मल और खुद अख्तियार होता रहा है। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट और मैं हूँ फरहान जफर। एक बोट में इस वक्त हम मौजूद हैं, कराची के करीब सुनहरा पॉइंट है ये, जहाँ पे ये नदी मौजूद है। एक बड़ी ही हैरत अंगेज़ चीज़ आपको दिखाने लगे हैं, एक पहाड़ आप मेरे बिल्कुल राइट साइड पे देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके। ये वो पहाड़ है जिसके ऊपर माशाल्लाह अल्लाह जो है वो लिखा हुआ वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। इतना खूबसूरत मंज़र है आपको हमारी स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा होगा और वाज़े आप लोग पढ़ सकते हैं इसको कि माशाल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये ज़मीन व आसमान, ये पहाड़, ये सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं। कराची के करीब ये सुनहरा पॉइंट नदी है और ये कराची और बलूचिस्तान का मिड पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। ये मिड पॉइंट के दरमियान में ये पहाड़ मौजूद है और इतनी खूबसूरत और इतनी सफाई से इसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। और ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ चीज़ थी, आप लोगों को देखने वालों को यकीनन आप सबका ईमान ताज़ा हो जाएगा। माशाल्लाह जब रात का ये मंजर होता है और चाँद इसके ऊपर होता है इस पहाड़ के, एक बड़ा ही पुरनूर और बड़ा ही ज़बरदस्त मंजर होता है, बड़ा खूबसूरत मनाजिर हैं ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान माशाल्लाह माला माल है खूबसूरती से, और ये आज हमने आपको मंजर दिखाया। ये नदी जो है ये भी एक बहुत खूबसूरत नदी है और आप देख सकते हैं इस वक्त हम बोट में मौजूद हैं। पहाड़ की खूबसूरती मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला की गवाही देता है ये पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा, जिसके ऊपर अल्लाह का जो नाम है वो बड़ी ही खूबसूरती से और वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, ये अल्लाह ही की कुदरत है। अच्छा, ये जो पहाड़ी सिलसिले आप हम साथ साथ देख सकते हैं जो चल रहे हैं, ये कोए हिंदूकश के पहाड़ी सिलसिले हैं। मारखोर बकरे जो हैं वो बड़ी तादाद में इधर पाए जाते हैं और जलजिले का जो मरकज़ होता है वो यही होता है। ये पहाड़ी सिलसिले साथ साथ चल रहे हैं, इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में ये एक छोटी सी पहाड़ी मौजूद है जिसके ऊपर बड़ी खूबसूरती से, बड़ी नफासत से अल्लाह का जो नाम है वो बड़ा वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। देखने वाले यकीनन बड़े हैरान हो जाएंगे, लेकिन मुसलमान का ईमान ताज़ा हो जाता है ये चीज़ देख के, और मुसलमान इस चीज़ पे यकीन रखता है कि ये कायनात बनाने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। ये इस नदी को चलाने वाला, इस पहाड़ी सिलसिले को, तमाम जो कायनात बनाई है वो अल्लाह ही की कुदरत है। और ये गवाही देता पहाड़ आप मेरे राइट साइड पर देख सकते हैं, इतना खूबसूरत मंजर है, इतनी ठंडी हवा चल रही है और ये एक पहाड़ जो है मौजूद है, अल्लाह की शान जो है वो आप देख सकते हैं। जमील अहमद राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान गेम फिश फेडरेशन के जो हैं चेयरमैन हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, ये सफ़र करते रहते हैं इधर, इस नदी के बारे में पूछते हैं, इस पहाड़ी सिलसिले के बारे में पूछते हैं और इस स्पेसिफिक जो आपको पहाड़ दिखाया है इसके बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों आप जिस मुकाम पर हम मौजूद हैं ये सुनहरा पॉइंट है और इससे आगे मुबारक विलेज है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो है ना एक हसीन नज़ारे, इन पहाड़ों के अंदर छुपे हुए खजाने आपके सामने हैं, देखो अल्लाह का नाम। इसके अलावा पूरी लोकेशन ये बहरा हिंद और बहरा अरब का ये मुंह कहलाता है, और जिस जगह पे हम मौजूद हैं इसके इस तरफ जो है बलूचिस्तान है और इस तरफ जो है सिंध है। इस इलाके के लिए आज तक हम लोगों ने तकरीबन 40 साल से जो है खिदमत की है, और यहाँ पे आबादी भी नहीं थे, वसाइल भी नहीं थे, खाना पीना, इन लोगों का रोज़ी रोज़गार सब ये बोट्स के ऊपर है। इस नदी के अंदर ये लोग शिकार करते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से कि इस इलाके की टूरिज़म के हवाले से तवज्जो दी जाए, स्कूबा डाइविंग के यहाँ बहुत अच्छे चांसेस हैं और स्नॉर्कलिंग के भी बहुत अच्छे चांस हैं। इसके अलावा यहाँ सबसे ज़्यादा जो है शिकार के लिए लोग आते हैं, जब सीज़न शुरू होगा तो यहाँ हज़ारों की तादाद में शिकारी भी आएंगे, और यहाँ एक मंडी सज जाती है, यहाँ पे एक मेला लगा हुआ होता है, तो माशाल्लाह वो टाइम होता है इनका रोज़ी रोटी कमाने का। तो हमारी बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है इस इलाके के हवाले से, इस इलाके के हवाले को तरक्की दी जाए ताकि टूरिज़म के हवाले से पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन हो। आप देख रहे हैं जैसे अल्लाह, इसमें अल्लाह बहुत बड़ी बात है, आपके सामने है ये पहाड़, इसके अलावा इतना बड़ा ये समंदर है, इसमें आधा पानी मीठा है और आधा पानी खारा है, समंदर से आता है। यहाँ बोटिंग भी होती है, फिशिंग, ट्रॉलिंग फिशिंग, यानी हर तरह की फिशिंग होती है। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के हवाले से कि आप
हुकूमत पाकिस्तान को जो है कम अज़ कम टूरिज़म के हवाले से इस तरफ तवज्जो दिलाएँ ताकि इस इलाके में भी तरक्की हो और इन गरीब लोगों के घरों में भी खुशहाली आए और इंसाफ तरीके इंसाफ की हुकूमत है। टूरिज़म के हवाले से बड़ा काम करते हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं। ये एक हिडन प्लेस थी जो कि आज हमने आपको दिखाई है और जिस तरह ये बता रहे हैं कि जमील अहमद राजपूत साहब जो हमें बता रहे हैं कि टूरिज़्म का अगर यहाँ पे इसको फ़रोग दिया जाए तो ये एक बड़ी अच्छी जगह है और माशाल्लाह जो लोग इस पहाड़ी सिलसिले को और इस पहाड़ को देखने आए तो ये पाकिस्तान में एक बड़ी अच्छी और बड़ी मिसाली जगह बन सकती है। शहर कराची से सिर्फ ये 35-36 किलोमीटर की ड्राइव पे है, आप एक घंटे में यहाँ आ सकते हैं और जो ये हसीन मनाजर यहाँ आप देख रहे हैं, अगर आप वीकली नहीं तो 15 दिन में भी अगर एक दफ़ा यहाँ का टूर करते हैं तो आप फ्रेश हो जाते हैं और आप लोग आएँ अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। SGFA से यानी सिंध गेम फिशिंग एसोसिएशन के हवाले से तआवुन करें, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको ड्राइव कराएँगे, बोटिंग कराएँगे, स्कूबा कराएँगे। बिल्कुल जी, तवज्जो देनी चाहिए सिंध के जो हुकाम देख रहे हैं उनके लिए भी है और पाकिस्तान की जो विफाक में हुकूमत बैठी हुई है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब बड़ा फ़रोग देते हैं टूरिज़्म को। ये स्पेसिफ़िक जगह आज हमने आपको एक्सप्लोर कराई है और जमील अहमद राजपूत ने जिस तरह बताया इस हवाले से ये बड़ी पुरसकून और सुकून दे देने वाली जगह है। ये आप यहाँ पर आएँ अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, विज़िट करें, फ़िशिंग करवाएँ। अच्छा, यहाँ खसूसी क्रेडिट जो है वो हम पाक फ़ौज को देना चाहेंगे, अपनी मुसल्ला फ़ौज को, उनकी कुर्बानियों की वजह से हम पाकिस्तान में बड़े पुरसकून और अमन सुकून के साथ रहते हैं। इस इलाके के हवाले से पाक फौज की क्या यहाँ पे काविशें हैं और क्या उनकी उन्होंने यहाँ पे किरदार अदा किया है, इस बारे में भी इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। सर ये बताइएगा पाक फौज का यहाँ पे क्या किरदार रहा है? पाक फौज का हमेशा से पाकिस्तान के अंदर हर जगह पर बहुत मुकम्मल और खुद अख्तियार पर रह रहा है, मतलब हर एक चीज़ पर इनका अपना कंट्रोल भी है। अलबत्ता ख़ासकर सिंध के हवाले से बात करूँगा तो कराची से सुनहरा पॉइंट तक आते हुए कोस्ट गार्ड भी है रास्ते में और माड़ीपुर थाना, माड़ीपुर की पुलिस भी है। इसके अलावा यहाँ पे जो है नेवी की चेक पोस्टें हैं, तो आप जब कराची से आते हैं इंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको जो है पुलिस जो है वो चेकआउट करती है और तसल्ली करती है। और पहले ऐसा होता था कि लोगों को लूट लिया जाता था, फैमिलियों को तंग किया जाता था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने अच्छा कंट्रोल यहाँ पे अपना किया। उसके बाद कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड भी हर आने जाने वालों को मुकम्मल चेकआउट करती है। इसके बाद जो है बैरिया वाले हैं, वो बाकायदा आपका नाम पता और आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर और आपका मोबाइल नंबर लिखते हैं। सेफ्टी ये है कि आप यहाँ से अगर कहीं भी जाते हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी, आपको किसी किस्म का समंदर में कोई प्रॉब्लम है तो बैरिया आपकी मदद करती है, कोस्ट गार्ड आपकी मदद करता है। यहाँ जो भी डिपार्टमेंट है वो बड़ी जाफरशानी या मेहनत के साथ वर्क करते हैं और 24 घंटे ड्यूटी रहते हैं। हम लोग रात को भी आते हैं, हम लोग चेकआउट होते हैं तो हमें भी कंफर्म होता है कि वाकई यार अगर रात को हम आ रहे हैं तो हम सेफ़ हैं या नहीं, तो देन अभी हम लोग बहुत सेफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और बड़ा किरदार रहा है पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज का पाकिस्तान में अमन कायम करने में और जिस तरह ये जमील अहमद साहब हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे भी जो सिक्योरिटी का निज़ाम है वो बिल्कुल फुल प्रूफ है, आप लोग बिला झिझक यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ विज़िट कर सकते हैं। पाक बहरिया का जो किरदार है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और उन्होंने बताया कि यहाँ पे रास्ते क्लियर करवाने में और जो एंट्री है उधर से तमाम चेकिंग होती हुई आप इस पॉइंट पर आते हैं और ये एक बिल्कुल सेफेस्ट पॉइंट है आपकी फैमिलीज़ के लिए। यहाँ पर आएँ, आप विज़िट करें, 24 आवर यहाँ पर आप आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। ये बड़ा ही एक हिडन प्लेस आप इसे कह लें कि जो कि आज हमने एक्सप्लोर किया और आपको दिखाई है, बड़ी सुकून जगह है। आप यहाँ पे आएँ, फ़िशिंग करें, अपनी फैमिली के साथ आएँ, इन्जॉय करें। आखिर में जाते जाते जमील साहब ये बता दीजिए, इस पहाड़ी सिलसिले को तो आप देखते हैं, इस माशाल्लाह पहाड़ को भी आप देखते हैं, अक्सर आपने बताया था कि रात के वक्त बड़ा पुरनूर मंजर होता है इधर। जब चाँद की 14 तारीख होती है, चाँद पूरा होता है तो उसका रिफ्लेक्ट जब इस पर डलता है तो ये इंतहाई रोशन हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे किरणें फूट रही हैं। तो एक इंसान सत्य के आलम में आ जाता है कि देखो ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की कुदरत है, देख लो पहाड़ में भी अल्लाह है, हर चीज़ में अल्लाह है, हर सांस में अल्लाह है, हर जान में अल्लाह है और अल्लाह ही के पास जाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ा अच्छा मैसेज दिया इन्होंने और आज की जो वीडियो थी हमें भी बड़ी मज़ा आया ये करने में और हमने अपने नाज़रीन तक पहुंचाई है। ये कराची से 35-36 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह मौजूद है और बड़ी ही सहर तारी कर देने वाली जगह है ये। मुझे भी देख के ये बड़ा मेरे लिए भी एक बड़ी अच्छी और एक्सप्लोर जगह थी जो कि आज हमने देखी है और जितने हमारे हुकाम देख रहे हैं, हुकूमती हुकाम जो हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, जमील साहब ने भी की है, हम भी कर रहे हैं कि इस जगह को टूरिज़्म के हवाले से फ़रोग दिया जाए ताकि लोग जो हैं
वो अपनी आँखों से इस खूबसूरत मनाजिर को देख सकें। आप एक दफ़ा फिर मेरा अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, इस पहाड़ को जब जब देखते हैं तब तब ईमान जो है वो हमारा ताज़ा होता है। अल्लाह जो है वो कितना खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है, और बेशक अल्लाह ही की ज़ात है जो इस कायनात को चला रही है और वही इसका खालिक और मालिक है। ये मंज़र जो है वो पूरी दुनिया में मैं कहता हूँ कि देखा जाना चाहिए कि कितना खूबसूरत मंज़र है, कितना पहाड़ के ऊपर ये अल्लाह जो है वो वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। तो आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान फरहान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नासिर।